सीहोर में अधिकारी की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी दी गई। पोषण आहार को लेकर शिकायत की गई थी। धमकी देने का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो के आधार पर जांच के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सीहोर में अधिकारी की दबंगई का यह पूरा मामला है, जहां महिला बाल विकास अधिकारी की दबंगई देखने को मिली है। शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देती हुई नजर आई है। पोषण आहार को लेकर शिकायत की थी उसने, और उसका शिकायत करना उसी पर भारी पड़ गया, जहां महिला बाल विकास अधिकारी ने जमकर फटकार लगाई और कहा जेल भेज देंगे। देखो, अब शांति का माहौल कर लो, नहीं तो स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी, तुम भी जेल जाओगे। मैडम, बाद में कुछ नहीं कहना कि मुझे परेशान है, लड़की परेशान, मेरा बच्चा भी भर्ती है, मैं 2 महीने से हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। बच्चे एक लड़का है, 2 लड़की और है, और हमारे भैया की लड़की वही। प्रदीप चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, शिकायत करना क्या इतना भारी पड़ जाएगा, ये सोचा था यहाँ शिकायतकर्ता ने? क्योंकि यहाँ महिला बाल विकास अधिकारी ने दबंगई दिखाते हुए जेल भेजने की धमकी दे दी है। फिलहाल क्या कार्रवाई की गई है अधिकारी पर? अच्छा, ये मामला निश्चित रूप से अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव स्पष्ट रूप से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद भी दुखद बात है कि अधिकारी अपना व्यवहार बदलने को तैयार नहीं, उसी का साक्षात उदाहरण है। इस पूरे मामले में प्रवीण सिंह जो कलेक्टर सीहोर के हैं, उन्होंने संज्ञान लेते हुए एसडीएम को इस पूरी घटना की जांच की बात कही, और जांच के बाद वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जी, चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।